Good morning, all of you. Today, I'm going to start our next topic that is called a chorus. Previous lecture में हमने discuss किया था कि what is our redox reaction, what is the oxidizing agent, what is the reducing agent, what is the oxidized substance and what is the reduced substance. So, आज के हम lecture में हम corrosion को discuss करें. Suppose हमारे पास ये कोई metal surface दे रखा हो, okay? इस मेटल सरफेस पे क्या हो रहा है, बार बार मॉइस्ट एयर यहाँ इस मेटल सरफेस पे अटैक कर रहा है. कौन अटैक कर रहा है? मॉइस्ट एयर. तो होगा क्या, ये जो मेटल का जो सरफेस है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा. एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज कोरोजन. यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि बाय अटैकिंग ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन द सरफेस ऑफ मैटर, जब आपका मॉइस्ट एयर सरफेस मेटल के सरफेस पे अटैक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो मेटल सरफेस होगा वो डिस्ट्रॉय होने लगे. एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज कोरोजन. यानी सिंपली अगर हम डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाय अटैकिंग ऑफ मॉइस्ट एयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल देन इट विल बी कन्वर्टेड, देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज कोरोजन. जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमने देखा होगा कि जो आयरन की रॉड अगर हम ऊपर छत के ऊपर ले जाके रख देते हैं तो कुछ सालों के बाद उसके ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म होने लगता है. तो वो क्या होता है, उससे क्यों वो ऐसे कंडीशन हो रही है, तो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर अवेलेबल है, मॉइस्ट एयर जो अवेलेबल है, वो क्या कर रहा है, उस आयरन के सर्फेस पे बार 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 अटैक कर रहा है, जिससे वो आयरन का जो सर्फेस है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लग रहा है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसीजर यानी आयरन का अगर सरफेस डिस्ट्रॉय हो रहा है बाय अटैकिंग ऑफ मॉइस्ट एयर, तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज रस्टिंग एंड इट इज द पार्ट ऑफ द फर्स. होता क्या है, आयरन रखा हुआ है, कौन अटैक कर रहा है, मॉइस्ट एयर यानी वाटर प्लस ऑक्सीजन. ये जब मॉइस्ट एयर जब आयरन के सरफेस पे बार बार अटैक करेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2. यानी अमाउंट ऑफ वाटर हमने फिक्स नहीं, इसमें एक्स मोल ले लिया. तो क्या हो रहा है कि आयरन के सरफेस पे बार बार मॉइस्ट एयर अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से ये जो आयरन का सरफेस है वो डिस्ट्रॉय होने लग रहा है. एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज रस्टिंग एंड इट इज द पार्ट ऑफ द कोरोजन. होगा क्या, वो जो रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर होता है उसको हम रस्ट बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द Fe2O3.XH2. इसके अलावा हमारे घर में देखा होगा कॉपर के वेसल्स होते हैं, उस कॉपर के वेसल्स पे या तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है या फिर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है. तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे एटमोसफेयर में जो मॉइस्चर मॉइस्ट एयर अवेलेबल है वो उस सर्फेस पे बार बार अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से उसका सरफेस जो है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो दो कंडीशन है कॉपर के वेसल, एक तो ब्लैक कलर का स्पॉट क्यों फॉर्म हो रहा है, और दूसरा कंडीशन है कि ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों हो रही है. तो ग्रीन कलर की कोटिंग इसलिए होती है कि कॉपर के कंटेनर पे जब मॉइस्ट एयर अटैक करता है, मॉइस्ट एयर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो मॉइस्ट एयर जो है वो कॉपर के सर्फेस पर जब बार बार अटैक करती है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द बेसिक कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड अ मैलेकाइट ग्रीन. तो ये जो मॉइस्ट एयर बार बार कॉपर के सरफेस पे अटैक कर रही है, इसकी वजह से बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से कॉपर के वेसल पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है. ठीक है, तो ग्रीन कलर की कोटिंग होने की किस कंपाउंड के फॉर्मेशन होती है, तो दैट इज अ बेसिक कॉपर कार्बोनेट. इसके अलावा कॉपर के वेसल पे हम देखते हैं कि ब्लैक कलर का भी स्पॉट आ जाता है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह भी देख लो. कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन प्रोसीड करते हैं एंड इट विल बी कन्वर्टेड इन टू द कॉपर ऑक्साइड. इस कंपाउंड यानी कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म होती है. ओके, तो ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों हुई, क्योंकि बेसिक कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो गया, और ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों हुई, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड फॉर्म.
ये तो हमारा हो गया, हमने देख लिया आयरन की, अगर आयरन के मेटल पे अगर मॉइस्चर अटैक करता है तो क्या होगा, और कॉपर के वेसल पे अगर मॉइस्चर अटैक करता है तब क्या। नेक्स्ट कंडीशन आती है, हम देखते हैं कि जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है, देखा होगा जब परचेज करके लाओ तो वो बहुत शाइन करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम उसे कैरी करते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द कोरोजन। उसमें क्या होता है, जो सिल्वर की ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी जो हमने कैरी किया हुआ है उस पे मॉइस्ट एयर अटैक करती है, और मॉइस्ट एयर में क्या होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, यानी हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो रिएक्ट करती है। और जब मॉइस्ट इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट करती है, मॉइस्ट एयर के साथ जब ये रिएक्ट करती है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिल्वर सल्फाइड, दैट इज कॉल्ड द Az2S प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो रहा है, इसकी इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, सिल्वर की ज्वेलरी पर ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म होने लगती है, उसकी सरफेस जो होती है धीरे धीरे, जो शाइनिंग जो होती है वो धीरे धीरे डल। तो ये आपके कोरोजन के कुछ रिएक्शंस हैं, इसी को आपको स्टडी करना है। ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कई बार कि कॉपर पे, कॉपर का जो वेसल होता है उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों होती है, तो आप इसका रीजन लिखोगे, क्योंकि कॉपर का कंटेनर जो होता है वो मॉइस्ट एयर मतलब वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाता है, यानी CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से कॉपर के वेसल पर ग्रीन कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है। और ब्लैक कलर की कोटिंग क्यों फॉर्म होती है कॉपर के वेसल पे, तो कॉपर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से उस पे ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। थर्ड, सिल्वर की ज्वेलरी ब्लैक क्यों होती है, तो सिल्वर जो होता है मॉइस्ट एयर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, और इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से सिल्वर की ज्वेलरी पर क्या होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है। पूछा जाता है कि ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो किस कंपाउंड के फॉर्मेशन से होती है, तो दैट इज कॉल्ड अ सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब बात आती है कि कोरोजन से हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कैसे हम इन मेटल के सर्फेस को डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगे। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, हम उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे आयरन का कोई भी मेटल उसकी ऑयलिंग कर सकते हैं, उसकी पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर की ज्वेलरी सपोज हमें कैरी नहीं करनी है तो हम उसे क्या करें, जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है उसमें रैप करके जब हम रखेंगे तो ये सिल्वर की ज्वेलरी पर ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म नहीं। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जिसके थ्रू हम कोरोजन से मटेरियल, जो भी हमारा मेटल का सरफेस है उसको हम बचा सकते हैं, उसके सरफेस को हम डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम डेंसिटी पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Oh.
एक सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के थ्रू तब जाता है जब वो रेडॉक्स रिएक्शन के हाफ यानी ऑक्सीडेशन के थ्रू जाए। कोरोजन और एसिडिटी वो दो मेन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंसेस हैं जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। वो प्रोसेस जिसमें एक मेटल के आसपास वाले सब्सटेंसेस यानी मॉइस्चर और एसिड्स उसे अटैक करते हैं, जिसके कारण मेटल ऑक्सीडाइज करता है, उसे कोरोजन कहते हैं। पेंटिंग, ऑयलिंग और एंटी कोरोसिव कोटिंग्स को यूज किया जाता है मेटल सर्फेसिस को कोरोजन से बचाने के लिए।